मैं इस वक्त मौजूद हूँ सवाबी में और सवाबी के एक इलाके दोबिया में। डॉक्टर इस्माइल शाह जो बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, एक तालीमी इनिशिएटिव है जिसको वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। हमारा एम ये हो कि ये प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि उनको सपोर्ट करने, उनको एक अच्छी एजुकेशन दें कि उन पर फोकस किया जाए कि वो मैट्रिक में अच्छे नंबर आए, उनको कॉलेज वाले स्कॉलरशिप दें, फिर वो प्रोफेशनल कॉलेज में चले जाएँ। जॉब के लिए कोई ज़्यादा है या यूनिवर्सिटी तो आगे मुआशे पर बोझ नहीं, बच्चा उनके सोसाइटी को सपोर्ट करता है। हमने यहाँ पे एकेडमी स्टार्ट की, फाइनेंशियली वीक टैलेंटेड जो स्टूडेंट थे उनको यहाँ पे पढ़ाते थे। इस वक्त तक आप कितने स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर चुके हैं? फाइनेंशियल सपोर्ट है वो 100+ है। 38 स्टूडेंट हमारे साथ फुल स्कॉलरशिप पर यहाँ पर पढ़ रहे हैं एकेडमी में। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सवाबी में और सवाबी के एक इलाके दोबिया में, और ये बहुत खूबसूरत इलाका है। यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म की एग्रीकल्चर मैंने देखा है रास्ते में आते हुए, और जो ही आप इस्लामाबाद से मोटरवे M1 पे आते हैं तो आप सवाबी की तरफ इंटरचेंज से टर्न लेके अंदर आएँ स्वात के जो हाईवे है स्वात एक्सप्रेस पे, तो कुछ ही मिनट्स के फासले पे, कुछ ही 15-20 मिनट की ड्राइव पे ये आप एग्ज़िट लें तो आप दोबिया में पहुँच जाते हैं। और मैं इस वक्त यहाँ पर इसलिए मौजूद हूँ कि मुझे डॉक्टर इस्माइल शाह जो बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, वो इनका ना सिर्फ गांव है बल्कि इसके साथ साथ बड़ी ही एक दिलचस्प एक्टिविटी वो यहाँ पे कर रहे हैं। एक तालीमी इनिशिएटिव है जिसको वो स्पॉन्सर कर रहे हैं और इसीलिए हम यहाँ पे इस वक्त आए हुए हैं। अभी हम कबाब और लंच बड़ा अच्छा इन्होंने हमें सर्व किया है, वो बड़ा मज़े का था, रियली इन्जॉयड इट। बड़ा अच्छा इनके पुरखलूस हमने जो इनके साथ फ्रूट इन्जॉय किए जो लोकल यहाँ के फ्रूट्स हैं, और इनकी मेज़बानी के हम शुक्रगुजार हैं। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ियाउल कमर साहब जो इस इनिशिएटिव को लीड कर रहे हैं, और इसके साथ साथ मुर्ज़ा यासीन साहब, तो इनसे हम गपशप लगाएंगे इस इनिशिएटिव के बारे में। तो ज़ियाउल कमर साहब, सबसे पहले तो आपकी तरफ मैं आऊँगा, आप काइंडली मुझे बताएँगे आपने जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव कर रहे हैं आप यहाँ पर, तो थोड़ा सा मुझे इसका बैकग्राउंड बताएं और इसके पीछे क्या आपकी का विजन है। मेरा नाम ज़ियाउल कमर है, दोबियान का रहने वाला हूँ। यहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल दोबियान से मैट्रिक किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मर्दान से FSC, और फिर पेशावर यूनिवर्सिटी से बैचलर, फिर पेशावर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में 2007 में मास्टर किया, फिर उसके बाद उसी यूनिवर्सिटी से पेशावर यूनिवर्सिटी से 2009 में पोलिटिकल साइंस में मास्टर की डिग्री ली, और फिर अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से MSc पाकिस्तान स्टडीज़ में, और पेशावर यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस में, और नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी नौशेरा से एजुकेशन में मास्टर किया। यहाँ स्कूल है इकरा स्कूल, उससे मैंने अपने प्रोफेशनल करियर टीचिंग का आगाज किया, और एज ए सोशल स्टडी टीचर और प्राक स्टडी टीचर देन। फिर उसके बाद मैंने 3-4 दोस्तों के साथ एक मीटिंग की, इनफॉर्मल सी मीटिंग थी, उसमें हमने ये आइडिया रखा कि चलो इस गांव के लिए कोई काम करते हैं। तो हमने एजुकेशन, जैसे सारे टीचर्स थे तो हमने एजुकेशन को ही सेलेक्ट किया। हमने खुद नोटिस किया हुआ था कि यहाँ एजुकेशन की कमी है जिसकी वजह से क्राइम रेशो बहुत ज़्यादा है, तो हमारा वो मुश्तरक डिसीजन या जो डिसीजन था वो यही था कि हम एजुकेशन यहाँ जितनी फैलाएंगे तो क्राइम्स कम होते जाएंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल ज़्यादा, यानी अक्सर बच्चे गवर्नमेंट स्कूल जाते हैं तो वहाँ फैसिलिटीज़ कम होती है और स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए जो मैट्रिक का रिज़ल्ट होता है जिसके बाद बच्चों ने अपने आगे फ्यूचर बनाना होता है तो वो ख़राब आ जाता है। 10-15% तक या इससे भी कम स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट आता था, सारे बच्चे अक्सर फेल होते थे। जो 3 प्राइवेट स्कूल ओपन हुए हमने उनके साथ काम किया तो रिज़ल्ट माशाल्लाह 2-3 साल के अंदर अंदर ही उनका रिज़ल्ट जो प्राइवेट स्कूल्स का था, वह जाहिर बात थी दोबियान के बच्चे वहाँ आते हैं, तो 100% तक कर दिया, 100% रिज़ल्ट आ गया। जब रिज़ल्ट 100% हुआ तो स्टूडेंट्स दो काम यहाँ पर करते हैं, जो स्टूडेंट्स गरीब होते हैं और फाइनेंशियली वीक होते हैं तो वो जॉब्स के लिए जाते हैं, तो जॉब्स के लिए भी बेसिक क्वालिफिकेशन जो मैट्रिक है आजकल अक्सर जॉब्स के लिए, आर्मी में या एयरफोर्स में या पुलिस में, तो बेसिक एजुकेशन मैट्रिक तो जॉब्स के लिए चले जाते हैं, और जो आगे पढ़ाई कर सकते हैं, इनकी फाइनेंशियल पोजिशन थोड़ा सा अच्छी होती हैं तो यूनिवर्सिटीज़ चले जाते हैं। जहाँ किसी से भी पूछ ले तो इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि वो 2007 के बाद और अभी तक बहुत वाज़ेह फ़र्क हैं,
यहाँ लोग बहुत एजुकेट हुए, उनका जो एप्टीट्यूड है वो एजुकेशन की तरफ आ गया है। सो और हम इसको बढ़ा रहे तो इस ऑर्गेनाइजेशन को पे हमने एक नाम दिया होप का, कि चलो हमारी उम्मीद है कि एक्रोनिम भी है होम ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, लेकिन उम्मीद वाला होप है ये। होप के ज़रिए फिर हमने स्टूडेंट्स को डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट शुरू किया। वो फिर डॉक्टर इस्माइल शाह साहब हमारे मेरे अंकल भी हैं और वैसे भी उनके साथ वो फ्रेंकली बोलते हैं तो हम उनके साथ अच्छे तरह से, मैंने उनको होप का वो इंट्रोडक्शन बताया, उन्होंने हमारे साथ फाइनेंशियल सपोर्ट किया। हमने पहले 2 स्टूडेंट को सपोर्ट किया, फिर 4 हो गए, फिर 6। हम डिफरेंट प्राइवेट स्कूल का विजिट करते हैं और वहाँ उनको 50-50 पे यानी 50% कंसेशन स्टूडेंट्स को वो दे देते हैं और 50% हम इनको जो फाइनेंशियल सपोर्ट हमें मिलती है हम इनसे पेमेंट करते हैं तो वो बच्चे पढ़ते हैं। ये 4-5 साल तक ये सिलसिला जारी रहा। फिर मैं एज अ गवर्नमेंट टीचर मैंने जॉब शुरू की तो वहाँ पर मुझे बहुत वो ऐसे ऐसे बच्चे मिले जो बहुत कुछ कर सकते थे मेरे ख्याल में या कर सकते हैं, लेकिन वो उसके फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ख़राब होती है। इसलिए हमने कहा कि कोई प्रॉपर सेटअप करते हैं कि ये प्राइवेट स्कूल है, ये हमें किसी खास हद तक सपोर्ट करते हैं, तो हम कोई सेटअप शुरू करते हैं ताकि इन बच्चों का फ्यूचर हमारे वजह से थोड़ा ब्राइट हो जाए, ये आगे जाके कुछ कर सकें। तो हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किए होप के तहत, 3-4 प्रोजेक्ट शुरू किए। जो प्रॉपर बिल्डिंग बन जाएगा तो इंशाल्लाह जो स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज है, जो कंप्यूटर के कोर्सेज, जिस तरह ऑनलाइन लर्निंग के बाद फिर वो बच्चे अर्निंग कर। अब हम आते हैं मुर्ज़ा यासीन साहब की तरफ। तो मुर्ज़ा यासीन साहब यहाँ के प्रिंसिपल हैं इस वक्त और यहाँ से फारगुत तहसील भी हैं। सो आप यहाँ कब से अटैच्ड हैं, यहाँ इस इदारे से कब से एसोसिएटेड हैं? वैसे तो ये सर ने जो कहा कि होप, तो ये प्रोजेक्ट सर ने 2007 में स्टार्ट किया हुआ था और 2005 में मैं जीवन कमर सब जिस स्कूल में टीचर थे मैं वहाँ मैंने एडमिशन ली थी। क्लास 1 में मैंने एडमिशन ली थी और फिर मैट्रिक भी हुआ ऐसे ही की। तो मैं जीवन कमर साहब के जो आइडिया था तो इनसे मैं बहुत इंस्पायर था। कभी कभी वो हॉस्टल में सर से बात होती थी और मेरा भी एक विजन था कि मतलब अपने इलाके के लिए, बहुत गरीब बच्चे होते हैं उन लोगों के लिए कुछ करना है। तो जैसे ही मैंने मैट्रिक की तो फिर मैंने अटेम्प्ट की, मतलब लोकल जो अच्छे इदारे होते वो कॉलेज, लेकिन फिर वही मसला आ जाते वो फाइनेंशियल का, तो मैं ठीक तरह से ना पढ़ सका। तो फिर मैं सर के पास आया, सर ने वैसे ही कहा कि चलो हम अगर खुद ना पढ़ सके तो इसी जज्बे के साथ औरों को पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो हमने जैसे मैंने मैट्रिक की तो मैं सर के साथ हो लिया और फिर इस होप में काम शुरू कर लिया। तो मैं मैट्रिक के बाद ही, तो मेरे 6th साल है ओके गुड, मेन के साथ ही एक्सलेंट। एकेडमी भी चला तो सेकंड टाइम उसमें भी हम फुली 100% जो है स्कॉलरशिप पे बच्चों को लेते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के हो चाहे प्राइवेट स्कूल के हो, वो या आते हैं पढ़ते हैं ट्यूशन। हम मुख्तलिफ़ किस्म के वो जो दोस्त से टीचर तो उनको लाते हैं, वो क्लासेस लेते हैं तो बच्चों का भी फ़ायदा हो जाता है और हमारा जो मिशन है वो भी हो जाता है। सो फैजुल्ला साहब आप थोड़ा हमें बताएँ कि यहाँ से आपका क्या ताल्लुक है? जियाउल कमर सर हमारे 1st क्लास से टीचर थे 10th क्लास तक। इनकी जो हम करेक्टर बिल्डिंग की स्टूडेंट की कर रहे थे वो तो मतलब पूरे इलाके को पता है कि सर किस तरह स्टूडेंट की करेक्टर पे फोकस करते थे। फिर उसके बाद जब मैट्रिक के बाद जिस तरह आपने बात की कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों का स्टूडेंट को पता होना चाहिए, कॉलेज का पता होना चाहिए, तो मैट्रिक के फ़ौरन बाद सर क्लासेज अरेंज करते थे। इसमें स्टूडेंट को यही बताते थे कि आपने कॉलेज के बाद कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, फिर यूनिवर्सिटी की मतलब आप लोगों ने पढ़ना कैसे, कॉलेजेस में क्या होता है, यूनिवर्सिटीज़ में क्या होते हैं, फिर यही क्लासेस वगैरह अरेंज करते थे हम, जिसमें हम मैं खुद भी पढ़ते हैं पढ़ने आया था और सर दूसरे स्टूडेंट को भी पढ़ाते थे। और इसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कॉलेज के बाद कॉलेज में भी स्कॉलरशिप में भी मेरा एडमिशन हो गया था। कॉलेज के बाद मैंने स्वाबी यूनिवर्सिटी से बैचलर किया और फिर उसके बाद मैं नमल यूनिवर्सिटी में आजकल मास्टर कर रहा हूँ। कोविड में जब यूनिवर्सिटीज़ वगैरह सारे बंद थे तो हमने यहाँ पे यही इनिशिएटिव ले लिया
कि मतलब सारे SOPs को मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पे एकेडमी स्टार्ट की और स्टूडेंट को जिस तरह सर ने बात की फाइनेंशियली वीक टैलेंटेड जो स्टूडेंट थे उनको यहाँ पे पढ़ाते थे और इनकी क्लासेस वगैरह अरेंज करते थे। अब वैसे आप काइंडली बताएं कि आप यहाँ पे कितने अरसे से वाबस्ता हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिस तरह के ज़िया साहब ने बता दिया, हम वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर आते हैं क्लास अटेंड करने के लिए, बच्चों को पढ़ाते हैं। बस हम इस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं ताकि हमारे इलाके के लोगों का लोगों के बच्चों का मुस्तकबिल बन जाए। अब हम आते हैं डॉक्टर इस्माइल की तरफ। डॉक्टर साहब, जज़ाकअल्लाह फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू सच अ ग्रेट इनिशिएटिव जो आपने एजुकेशन के फील्ड में यहाँ पे अपने इलाके में लिया हुआ है। आपसे मैं चाहूँगा जानना कि आपको इसका ख्याल कैसे आया। तो बहुत शुक्रिया आपका अली। ख्याल तो इस तरह आया कि ज़िया ज़ियाउल कमर साहब ने कहा कि यहाँ नीडी स्टूडेंट्स हैं, इनिशियल तो इससे बात शुरू हुई थी। कुछ गर्ल स्टूडेंट्स थी, तो बॉयज स्टूडेंट थे कि उनके पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सक रहे और उनको वो स्कूल से निकाल रहे हैं, स्कूल वाले उनको निकाल रहे हैं। तो उससे शुरू हमने कहा चलिए उनको आप सपोर्ट दें और उनको स्कूल ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो इससे बात शुरू हुई, फिर ऐसा ऐसा बढ़ती रही। फिर इन्होंने कहा कि मुझे भी एहसास था कि बेसिकली एक मसला जो हमारे गांव के स्टूडेंट्स को आता है कि वो मैट्रिक में उनके कम नंबर आते हैं फिर या फेल हो जाते हैं, तो उनको अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता या वो जा ही नहीं पाते। अगर किसी तरह हम ये गैप ब्रिज कर सकें कि उनकी मैट्रिक तक की वो चीज़ ठीक हो जाए, तो एक अकेडमी शुरू की। साथ में ज़ाहिर है वो छोटी छोटी स्कॉलरशिप्स भी चलती रही, और भी जो हमारे दोस्त थे उनसे भी मैंने कहा, कुछ ने कॉन्ट्रीब्यूट किया कुछ ने नहीं किया, लेकिन चलता रहा ये सिलसिला। फिर ये अकेडमी वाला जिन्होंने कहा कि उन पर फोकस किया जाए कि वो मैट्रिक में अच्छे नंबर आए, लाइक उनको कॉलेज वाले स्कॉलरशिप दें, फिर वो प्रोफेशनल कॉलेजेस में चले जाएँ। और इस तरह के कई एग्जांपल्स हैं, इसी अकेडमी और इन्हीं एफर्ट्स के साथ जो है कुछ ग्रेजुएट हुए हैं, किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने मेडिकल किया है। एक इनका पुराना स्टूडेंट जो है वो इस वक्त एक्सीएन है वापदा में, एक जो है अभी उसको लुइजियाना में यूनिवर्सिटी उन्होंने स्कॉलरशिप दी इंजीनियरिंग की उसने सिविल, तो अभी वो जा रहा है अगस्त में। फिर एक और भी इधर ही बैठे हुए हैं, नमल में इनका हो गया है, एमए इंग्लिश कर रही हैं। तो एक वो पार्ट, फिर हमने कहा कि हम इसको एक और ज़्यादा प्रॉपर शक्ल दें और एक प्रॉपर स्कूल अगर हम इसको शुरू करें। तो इनके पास जैसे इन्होंने कहा कि अभी छठी सातवीं आठवीं के बच्चे 38 पढ़ रहे हैं, इसी को अगर हम एक्सपेंड करके एक फुल फ्लेज स्कूल बनाएँ, और हमारा एम ये हो कि ये प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि उनको सपोर्ट करने, उनको एक अच्छी एजुकेशन दें। फिर ये हमने सारे ने मिल मिला के एक ज़मीन थोड़ी सी ली, उसके ऊपर थोड़ी कंस्ट्रक्शन की जो आपने देखी थी, शायद पिक्चर भी आप दिखाएं फिर, तो वो शुरू किया हुआ है। और इंशाल्लाह अभी फ़िलहाल तो हम ये 38 स्टूडेंट के साथ ही चलेंगे, फिर जैसे जैसे वो सेटअप बढ़ेगा और हम अफोर्ड कर सकेंगे तो उसको बढ़ाते रहेंगे। हम तो इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, चाहे 38 स्टूडेंट्स हो चाहे 100 हो, जितना भी हम कर सकें, लेकिन जो जो भी इंशाल्लाह इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहे किसी भी तरह, टाइम वाइज ट्रेनिंग जो है, अभी जैसे आपने बात की कैपेसिटी बिल्डिंग वाइज ट्रेनिंग दे सके, रिमोटली ट्रेनिंग दे सके, इवन सिर्फ विजिट करके एक लेक्चर दे सके स्टूडेंट्स को, तो ये सारी चीज़ें जो भी जिस तरह हेल्प करना चाहे दे आर मोस्ट वेलकम। अगर नहीं भी करना चाहते दुआ में याद रखें, वील ट्राई टू जो जितना भी हम कर सकेंगे करते रहेंगे। एक्सलेंट, तो ये आपने बेसिकली वो बात की है जो अहमद फराज ने भी की कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। हाँ बिल्कुल, तो ये आपने माशाल्लाह वो शम्मा रोशन की है आपके साथ आपके दोस्तों ने मिलके माशाल्लाह। ज़्यादा एफर्ट तो इनकी है, मतलब इन्होंने मुझे एहसास दिलाया। ज़ाहिर है जो मैंने अगर कोई फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूट की तो उससे वो तो बहुत थोड़ी सी थी अगर मैं ऑनेस्टली बात करूँ, क्योंकि वो तो मतलब अगर आप अगर हमारी लेवल मतलब अगर इनकम देखें उसका मे बी 5% 2% 3% होगा, तो ज़्यादा तो एफर्ट इन्होंने की। और एक्चुअली ये एहसास भी दिलाना कि यार इन लोगों को हेल्प की ज़रूरत है और ये तालीम जो है यहाँ होनी चाहिए। और मुझे तो मतलब बेसिकली चूँकि मैं खुद गांव से नहीं पढ़ा तो गांव के स्कूल का भी नहीं पता था कि क्या 10% लोग पास होते हैं या 5% होते हैं, और ये क्राइम वगैरह ये सारे इन्होंने नहीं बताया मुझे। तो उसी से फिर इंस्पायर हो के हमने कोशिश की है कि हेल्प कर सकें और भी दोस्तों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। एक्सलेंट, सो ग्रेट इनिशिएटिव। आई थिंक ऑल द बेस्ट टू यू इन दिस वेरी नोबल कॉज एंड सुपर इनिशिएटिव। अभी हमने बड़े ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी के साथ कुछ टाइम गुजारा है और इनसे इनकी जो काविशें हैं एजुकेशन के फील्ड में, ये जो
दोबियां का विलेज है, गांव है सवाबी में, इसमें जो इन्होंने तालीम की शमा रोशन की हुई है उसके ऊपर हमने इनसे बात की और इनकी जो मोटिवेशन है और जो इनका विजन है उसके बारे में हमने इनसे गुफ्तगू की है। तो अब ये दे हैव बीन डूइंग इट फॉर क्वाइट सम टाइम फॉर मेनी ईयर्स इन अ रेंटेड प्लेस, लेकिन अब ये इनका विजन है कि अपनी स्पेस इन्होंने खरीदी है, डॉक्टर इस्माइल शाह और इनके जो दोस्त हैं करीबी यहाँ पे, और इन लोगों का प्लान है कि इसको इंशाल्लाह ना प्रॉपर एक फैसिलिटी में पर्पस बिल्ड फैसिलिटी ये लोग बना रहे हैं और इसमें जो भी लोग कंट्रीब्यूट करना चाहें सो दे आर मोस्ट वेलकम टू कंट्रीब्यूट, बिकॉज एजुकेशन के फील्ड में अगर आप कंट्रीब्यूट करेंगे एज वी हैव जस्ट डिस्कस्ड द प्लान्स कि जो स्टूडेंट्स वीक होते हैं बट नीडी होते हैं ये उनको इनेबल करते हैं, उनको पिक करते हैं और उनको फिर ऐसा मुकाम पर ले आते हैं कि आगे वो जो उनका आगे एजुकेशन जर्नी होता है ना, दे कैन गो टू वेरी गुड यूनिवर्सिटीज़ और बाहर स्कॉलरशिप्स पे चले जाते हैं एंड दे कैन नॉट ओनली स्टैंड ऑन देयर फीट, अदरवाइज उनका क्या फ्यूचर है यहाँ पे, वो जुराम का शिकार हो जाते हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, चोरी चिकारी बढ़ जाती है। तो ये इस प्रॉब्लम को ये लोग एड्रेस कर रहे हैं लोकली एंड दैट इज़ अमेजिंग, द स्पिरिट इज़ अमेजिंग। और इसमें मैं सब लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, एक तो फाइनेंशली इनको सपोर्ट करें, जो ये बिल्डिंग बना रहे हैं पर्पस बिल्ड, आई हैव विटनेस दैट कैंपस, इट्स लुकिंग गुड, अभी तो कंस्ट्रक्शन जारी है, कुछ टाइम लगेगा इसको बनने में, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन में आप इसमें हिस्सा लें। और इसके साथ साथ अगर आप टाइम देना चाहें तो इस्लामाबाद से ये हार्डली 1.5 hours की ड्राइव है मोटरवे पे, अगर आपको कोई स्किल्स आती हैं तो इनके टीचर्स को और इनके बच्चों को ट्रेनिंग्स दें, राइट? सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन डू फ्रॉम वेयर एवर यू आर इन द वर्ल्ड, सपोर्ट देम जनरसली। मैं इस बात पे कंक्लूजन करूंगा कि इन लोगों की स्पिरिट को देखते हुए मुझे ये चीज़ शिद्दत से एहसास हो रहा है, जो मैं इनको मेरा मैसेज इनको ये है कि जो इनसे जो मुझे इंस्पिरेशन मिली है वो ये है कि अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख, भीगे हुए परों से ही परवाज करके देख।